आज हम पढ़ेंगे रंजक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया किसे कहते हैं हम? रंजक क्रिया जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे महेश सिंह को रोना आ गया। इस वाक्य में हम देखते हैं कि रोना क्या है बच्चों? मुख्य क्रिया। महेश सिंह जो मुख्य रूप से जो कार्य कर रहा है वो है रोने का, तो रोना हो गया मुख्य क्रिया। लेकिन इस शब्द को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है आ, तो आ क्या हुई बच्चों? रंजक क्रिया। और गया क्या है? सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वाक्य में आना शब्द क्या हो गया? अतिशयता का बोधक, क्योंकि उसने रोना मुख्य क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है, तथा इसमें जो गया है वो है सहायक क्रिया जो कि मुख्य क्रिया के बाद आती है, और आना क्या हो गया? रंजक क्रिया। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाती है तब वह क्या कहलाती है? रंजक क्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं। वह अधिकतर घूमा करता है, तो बच्चों वह इसमें अधिकतर क्या काम कर रहा है? घूमने का। तो घूमना क्या हो गई? मुख्य क्रिया। और इस क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना रही है कर्ता। कर्ता क्या है? एक रंजक क्रिया है जो कि करना शब्द से बन निकला है, जो कि करना शब्द एक अभ्यास का बोधक है, और है इसमें सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वाक्य में कर्ता रंजक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना रही है। तो बच्चों अब आप जान गए ना कि रंजक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके उसे और अधिक प्रभावशाली बनाती है उसे हम कहते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया में एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि प्रत्येक रंजक क्रिया का प्रयोग प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ नहीं किया जा सकता। जैसे कि आ धमकना, इस वाक्य में आ क्या है? एक मुख्य क्रिया है, और इसको और अधिक प्रभावशाली बना रही है धमकना, जो कि क्या है? एक रंजक क्रिया है। तो बच्चों इसमें आ धमकना इस शब्द का तो अर्थ निकल रहा है, तो इसके साथ तो रंजक क्रिया लग सकती है। लेकिन जैसे चल धमकना, तो चल धमकने का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसके साथ रंजक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आप जान गए ना कि हम प्रत्येक रंजक क्रिया का प्रयोग प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, संयुक्त अर्थात किसी चीज को जोड़ना कहलाता है संयुक्त। हिंदी में क्रिया कभी एक पद के द्वारा प्रकट होती है, कभी एक से अधिक पदों के द्वारा। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये शब्द स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि मोहन आया, इस वाक्य में हम देखते हैं कि कितनी क्रियाएं हैं? सिर्फ आया। आया बच्चों इसमें सिर्फ एक पद वाली क्रिया है। दूसरा वाक्य लेते हैं, मोहन आ चुका है। इस वाक्य में देखते हैं हम कि तीन पद हैं क्रिया के। पहला है आ, आ क्या है? मुख्य क्रिया। दूसरा है चुका, चुका है एक रंजक क्रिया। और तीसरा है क्या है बच्चों? सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वाक्य में तीन क्रियाएं हैं। पहला है आ, दूसरी है चुका, और तीसरी है।
तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए ना संयुक्त क्रिया क्या होती है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मैं दिल्ली गया था। इस वाक्य में हम देखते हैं कि गया, गया शब्द क्या है बच्चों? मुख्य क्रिया, और था क्या है? सहायक क्रिया। तो यह वाक्य दो क्रियाओं से मिलकर के बना है, पहला गया, दूसरा था। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, सौम्या पढ़ रही है। तो बच्चों, इस वाक्य में हम देखते हैं कितनी क्रियाएं हैं इस वाक्य में? तीन। पहली है पढ़, दूसरी है रही, और तीसरी है। पढ़ क्या है बच्चों? एक मुख्य क्रिया। रही रंजक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना रही है। और तीसरी है क्या है बच्चों? एक सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक से अधिक क्रियाएं होने तथा उसका संयुक्त रूप प्रयोग होने के कारण ये संयुक्त क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए ना संयुक्त क्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के किसी वाक्य में प्रयुक्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं।